आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मोरपंखी के प्लांट को कटिंग से कितनी आसानी से लगा सकते हैं, आप कहाँ गलती कर देते हैं जिससे कि इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो पाती है। तो पहले मैं आपको अपनी कटिंग्स का कुछ अपडेट दे देती हूँ जो मैंने पिछले महीनों में लगाए थे। तो देखिए, ये भी एक कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और यदि मैं इसको आपको बताती हूँ तो देखिए, ये मैंने यूं ही कटिंग इसमें लगा दी थी और ये यहीं पर ही ग्रो हो गई है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स डेवलप हो गई हैं, और ये प्लांट अब पूरी तरह से रिपोर्ट करने के लिए रेडी है, और आप इसे अलग से शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पॉट में। ये देखिए फ्रेंड, 15 दिन पहले मैंने ये मोरपंखी की कटिंग्स लगाई थी, और देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हल्की हल्की सी ग्रो होना शुरू हो गई है और इसमें छोटी छोटी लीफ आ गई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम नर्सरी में जाते हैं तो इसकी साइज़ के हिसाब से इसकी प्राइस भी ज़्यादा रहती है। जितनी बड़ी साइज़ होगी आपको उतना ही महंगा ये प्लांट मिलता है, तो क्यों ना हम आसानी से इसको कटिंग से घर में लगाएं, और हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से 4 पौधे आराम से इसकी कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लगाना है और किन सावधानियों को हमें रखना है जिससे कि ये कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। आपको लगाने के लिए कटिंग्स ऐसी लेनी है जो बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, और इस कटिंग को हम थोड़ी देर के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डाल के रखेंगे, इसके बाद हम इसको लगाएंगे। मैंने ये लगाने के लिए प्लास्टिक के कप लिए हुए हैं, और देखिए इनमें बहुत अच्छी तरह से ड्रेनेज होल भी कर लिए हैं। अब फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले कटिंग हमको तिरछी काट लेनी है, और तिरछी काटने के बाद दूसरा काम ये करना है कि इसको हमें सैंड में लगाना है, रेत में। रेत में यदि आप सॉइल में लगाते हैं तो वो भी लग जाती है, लेकिन रेत में लगने का सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो हम इसमें रेत भर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें सैंड भर ली है। सैंड बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, अच्छी तरह से, उसमें किसी तरह की गंदगी ना हो। इसके बाद हम हमारी ये कलम लेंगे। मैंने इसकी सारी नीचे की पत्तियाँ हटा दी हैं। इस तरह से आपको इन जो कलम है इनकी पत्तियाँ हटा देनी है, और इस तरह से तिरछा काट लेना है। मैंने नाइफ़ की मदद से, शार्प नाइफ़ हो या फिर आप ब्लेड हो तो उससे तिरछा काट लें। तिरछा काटने के बाद इस सैंड में आपको पहले रूटिंग हार्मोन का यूज़ करना है। तो मैं रूटिंग हार्मोन के लिए ये दालचीनी का पाउडर ले रही हूँ, दालचीनी का पाउडर लेकर, और आपको सैंड में हल्का सा पानी पहले ही डाल लेना है। इसको आप मॉइस्चर बनाए रखें, इसका हल्का हल्का इसमें पानी देते रहना है आपको। इसके बाद मैं ये कटिंग इसमें लगा दूँगी। इसी तरह से हम ये दूसरी कटिंग लगाएंगे, इसको हम दालचीनी के पाउडर में, जो कि एक बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है, और इस तरह से इसमें सैंड में लगा देंगे। तो आप अलग अलग कप्स में भी लगा सकते हैं, इकट्ठा लगा के, फिर जब वो ग्रो हो जाते हैं तो आप अलग अलग उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है थूजा की कटिंग लगाने का, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, घर में लगाना भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी आज ही लगाएं। थैंक यू।